हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं चू चू चार्ल्स। और भाई, लास्ट एपिसोड में ना हमने जब नाइटमेयर मोड को खेला था तो चार्ल्स ने ना भाई हमें बुरी तरह से मारा था। तो आज ना भाई हम उसी का बदला लेने के लिए फिर से आ चुके हैं नाइटमेयर मोड में। तो देखना ये कि भाई आज चार्ल्स की जीत होगी या फिर हमारी। तो जल्दी से मैं गेम स्टार्ट कर देता हूँ। न्यू गेम पे हमें जाना है और इधर भाई एज यूजुअल दो यहाँ पे मोड दिए हुए हैं। एक तो नॉर्मल सा क्लासिक मोड है जिसको भाई हम कम्प्लीट कर चुके हैं दो बार, और दूसरा है नाइटमेयर मोड जिसको पार करना भाई इम्पॉसिबल सा ही है। इस पे ना भाई वार्निंग भी लिखी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो, ए हार्डकोर मोड डिजाइन टू मेक यू रेज क्विट। मतलब भाई इस नाइटमेयर मोड को डिजाइन इसलिए किया गया है कि हम इसको जल्दी से जल्दी क्विट कर दें, इसको खेलना पाए हम। पर भाई सही बताऊं ना, डर से तो हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, तो हम नहीं डरते। तो जल्दी से भाई मैं गेम को स्टार्ट कर देता हूं, और इस बार तो भाई चार्ल्स की ऐसी की तैसी हम करके ही मारेंगे। बाकी भाई गेम जस्ट स्टार्ट हो चुका है। यूजिन हमें बोट में बैठा के ला रहा होगा अपने आइलैंड की तरफ। वो सब चीजें तो भाई मुझे स्किप कर देनी चाहिए क्योंकि हम कई बार देख चुके हैं सब चीजें। तो लड़के जिसके आइलैंड पे हम आ चुके हैं, और आप देख सकते हो भाई कितना ज्यादा डरावना माहौल है। मतलब चांद को देख के सबसे ज्यादा डर लगता है मुझे इस गेम में, क्योंकि भाई इतना ज्यादा हॉन्टेड चांद मैंने किसी भी गेम में नहीं देखा। और यूजिन पहुंच चुका है ना अपनी जगह पे, तो ठीक है मैं इससे बात कर लेता हूँ पहले तो। अरे निकल यार, मुझे हर बार ये सेम चीज बताता है, तो ठीक है खोल लेता हूँ गेट। और इससे पहले भाग के मैं निकल लेता हूँ वेयर हाउस की तरफ। और एक बार ना भाई आप इसका म्यूजिक सुन के देखो, ओ तेरी भाई कितना ज्यादा डरावना है। मतलब 100 times ज्यादा डरावना ये हो चुका है गेम। वैसे से बताऊँ ना, ये गेम पहले भी इतना ज्यादा डरावना था, लेकिन ये नाइटमेयर मोड आया ना तब से तो भाई इस गेम की पूछो ही मत, इतना ज्यादा डरावना हो चुका है। तो मैं बिना बात किए ना इससे सीधा जाने वाला हूँ, लेकिन यार मुझे ना चाबी लेनी पड़ेगी, तो मुझे इससे बात करनी पड़ेगी एक सेकंड। ठीक है इसने मेरे को चाबी दे दी है सामने वाले केबिन की, तो मुझे वहां से एक चाबी लेके आनी है। अगर भाई मैं इससे चाबी ना लूं और सारे के सारे स्क्रैप्स पहले ही कलेक्ट कर लूं तो चार्ल्स मुझे मारेगा क्या? भाई कुछ कह नहीं सकते, चार्ल्स तो इस आइलैंड पे पहले से ही है ना, तो ठीक है मुझे रिस्क लेना नहीं चाहिए। मैं जल्दी से अपनी ट्रेन को अनलॉक कर लेता हूं। ठीक है भाई, अपनी प्यारी सी ट्रेन को हम देख लेते हैं। और यार इसका शुरुआत में पेंट इतना ज्यादा गंदा हो रखा है, क्या बताऊं मैं। एक बार ना इसकी गन भी चेक कर लेता हूं, भाई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, इतनी ज्यादा खतरनाक अंधेरा हो रखा है। और यूजिन आ चुका है, तो ठीक है अब निकल लेता हूं यहां से फटाफट से। ऑलराइट, क्योंकि ये सब ना भाई हमने ऑलरेडी कई बार देखा हुआ है, तो हमें पता है हमें क्या करना है। और अब ना भाई चार्ल्स की एंट्री होने वाली इस गेम के अंदर फाइनली। शुरुआत में इसको ना थोड़ा सा मजा चका देना चाहिए, लेकिन एक सेकंड। अरे मर जा भूतिया ट्रेन। यार मेरी गन गरम हो गई, लेकिन यूजिन का काम हो गया। गया ऐसे तैसी करा यूजिन, मुझे तेरे पे ध्यान ही नहीं देना। मैं अपनी ट्रेन को भगाने वाला हूँ, सीधा निकल, क्योंकि भाई मुझे पता है मैं यूजिन को देखने जाऊंगा तो उससे कुछ होने तो वाला नहीं है। मैं फटाफट से पहले तो मैप खोल के देख लेता हूँ एक बार मुझे कहाँ जाना है। सबसे पहले मैं करने वाला हूँ भाई स्क्रैप्स वाला मिशन, तो मैं ये वाली जगह वो मार्क कर देता हूँ। उसके बाद मुझे एक ये वाला मिशन करना है, एक ये वाला मिशन करना है। मतलब भाई जल्दी से जल्दी अगर बढ़िया से वेपन्स मेरे पास आ जाएंगे ना तो मुझे शायद कम डर लगने वाला है। और एक बार ना भाई मैं अपने आसपास भी नजर बना के रख लेता हूँ, कहीं इधर उधर स्क्रैप्स पड़े होंगे ना, तो मुझे स्क्रैप्स भी बहुत ज्यादा कलेक्ट करने पड़ेंगे। और स्क्रैप्स से ना सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रेन की स्पीड ही बढ़ाने वाला हूँ, कुछ और मैं नहीं बढ़ाऊंगा। और यहाँ पे शायद स्क्रैप्स हो सकते हैं, एक बार मैं कूद जाता हूँ यहाँ पे ना भाई, हमेशा एक या दो स्क्रैप्स तो हमेशा की तरह मिल ही जाते हैं। और भाई इस गेम के अंदर कोई भी लाइफ लाइन नहीं है, तो मुझे संभल के खेलना पड़ेगा, मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना। एक भी जगह पे अगर मैं ज्यादा देर रुक गया ना भाई तो मेरा खेल खत्म है, हमें दूसरा मौका नहीं देगा ये गेम। भाई पंछी की आवाज मुझे पिछली बार तो नहीं आई थी यार ये गेम, मुझे लगता है और एक और अपडेट आ चुका है भाई इस गेम का। मतलब इस बार कौओं की आवाज आ रही है भाई बहुत ज्यादा, और सामने से मुझे पटरी चेंज करनी है। शेट भाई शेट, ये और अलग सीन है इस गेम का। एक सेकंड में यहीं से कूद जाता हूँ, और मेरी ट्रेन रुक जी भाई, मेरी ट्रेन रुक जी प्लीज। अरे यार इधर आई गई, मुझे पहले ये रिवर्स लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं आगे जा सकता हूँ। तो ठीक है पहले अपनी ट्रेन को मैं रिवर्स ले लेता हूँ, और अब डाल देता हूँ फॉरवर्ड गियर। ठीक है अब चल देगी हमारी ट्रेन सामने। और अगर गलती से भाई मैंने हॉर्न बजा दिया ना अपनी ट्रेन का, तो मेरा खेल तभी खत्म है, क्योंकि हॉर्न की बात सुन के चार्ल्स इतनी जल्दी आता है क्या बताऊं। और एक बार ना भाई माहौल देखो यार, इस बार मैं पूरी कोशिश करूंगा कि चार्ल्स को मार दूं। वैसे सही बताऊं ना, चार्ल्स को मारना इतना ज्यादा इम्पॉसिबल है, क्या बताऊं, वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है भाई, 100 times ज्यादा पावरफुल हो चुका है वो चार्ल्स। और मेरा शायद पहला मिशन आने ही वाला है, 121 meters दूर है सिर्फ और सिर्फ। तो पहला मिशन तो भाई बहुत ज्यादा इजी मिशन है इस गेम का, मुझे सिर्फ बहुत सारे स्क्रैप्स कलेक्ट करने हैं। तो ठीक है मैं अपनी लोकेशन पे पहुंच चुका हूँ, मुझे सीधा अपनी ट्रेन से जंप लगानी है, क्योंकि ट्रेन हमारी ऑटोमेटिक रुक जाती है जैसे मैं ट्रेन से जंप लगा देता हूँ। इससे मैंने इसकी बालकनी की चाबी ले ली है, बालकनी का रास्ता होने वाला है इसके पीछे से। ठीक है भाई, मुझे याद हो चुका है ये गेम काफी ज्यादा, तो ठीक है हमारे लिए आसानी होने वाली है। वैसे अगर हम घरों के अंदर रहेंगे ना तो चार्ल्स हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर हम ट्रेन के अंदर हुए या फिर ट्रेन के बाहर चार्ल्स ने हमें पकड़ लिया, तो भाई 1-2 seconds में ही हमारा खेल खत्म होने वाला है। मैं यहीं से कूद जाता हूँ, मुझे टाइम बचाना है। ठीक है, और एक तरह से ना भाई स्पीड रन भी होने ही वाला, मतलब अगर हमने चार्ल्स को मार दिया ना तो भाई इतनी जल्दी मारना पड़ेगा हमें, क्या बताऊँ। और अपनी ट्रेन को मैं बूस्ट मार लेता हूँ, और थोड़ी सी ना ट्रेन को मैं रिपेयर भी कर लेता हूँ। ऑलराइट, और इसकी ना थोड़ी सी मैं स्पीड भी बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, स्पीड से भाई हमें बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है। और दूसरा मेरा मिशन आने वाला ये वाला, ठीक है, एनपीसी वाले मिशन में करूंगा ना तो मुझे ज्यादा से ज्यादा स्क्रैप्स मिलेंगे, उससे ना भाई मुझे चार्ल्स को मारने में बहुत ज्यादा मदद हो जाएगी। और एक बार ना भाई अंधेरा देखो कितना ज्यादा इस गेम के अंदर, मतलब भाई कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा ये तो दूसरा वाला मिशन है भाई, ये तो ईजी मिशन है बहुत ज्यादा। तो ठीक है, पहले तो सारे के सारे स्क्रैप्स में कलेक्ट कर लेता हूँ, ट्रेन के अंदर बहुत ज्यादा स्क्रैप्स पड़े हुए हैं।
थोड़े बहुत स्क्रैप्स ना भाई इस वाले बोन फायर के पास भी पड़े रहते हैं, तो भाई यहाँ से भी ले लेता हूँ। ऑलराइट, और अब मैं चल देता हूँ मिशन की तरफ, और इधर भी स्क्रैप्स पड़े हुए हैं। ठीक है भाई, स्क्रैप्स मैं एक भी नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैं जितनी ज्यादा ट्रेन को अपग्रेड कर पाऊंगा ना भाई, उतना ही मेरे ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस गेम को सर्वाइव करने की। अल्ले भाई, मेरे को इसने पिक लॉक दे दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ ना भाई, ये ट्रेन का ग्रेवयार्ड है। मतलब यहाँ पे जितने भी हमसे पहले फाइटर्स आए थे ना चाल से लड़ने के लिए, उनकी ट्रेन यहाँ पे पड़ी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हो भाई। ये तो हमारी ट्रेन की बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी है, और यहाँ जब भी मैं आता हूँ ना बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। पहले तो भाई इस लॉक को मैं तोड़ लेता हूँ। ऑलराइट, और इसको मैंने तोड़ लिया एक बार में। ठीक है, और यहाँ से मुझे मैप लेना है, और ये मकड़ी वाला मैप देना है मुझे उस गंजे को, जिससे शायद वो खुश होकर मुझे कुछ स्क्रैप्स भी दे देगा और लॉक पिक भी दे देगा। ठीक है भाई, इसने मेरे को कुछ स्क्रैप्स दे दिए और एक ना लॉक पिक भी दे दिए, जिससे भाई मेरा काम और आसान हो जाएगा। अगली लोकेशन को मैं मार्क कर लेता हूँ। अब मेरा भाई ब्लू वाला मिशन है, जो कि वेपन मिशन नहीं है, इस गेम का मेन मिशन है। तो ठीक है, वो भी मुझे करना पड़ेगा। थोड़ी सी ना मैं अपनी स्पीड लेवल और बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, 5 में स्पीड लेवल कर देता हूँ। ठीक है, इससे ना मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। और अगला जो मेरा मिशन है वो भाई केव में जाने वाला मिशन होगा। शेट यार, मुझे अंडा नहीं कलेक्ट करना। एक सेकंड, मैं यहीं से कूद जाता हूँ। ये मेरा वेपन मिशन है। ठीक है, मैं इस वेपन मिशन को भी करने वाला हूँ। इससे ना भाई मुझे फ्लेम थ्रोअर मिल जाएगी, जिसकी मदद से भाई मैं चार्ल्स को मार सकता हूँ। ऑलराइट, और ये टकलू है यार, ये पता नहीं अपने घर में कैसे आग लगा लेता है, इसकी आग मुझे हर बार बुझानी पड़ती है। और यहाँ पे ये देखो भाई, इतने ज़्यादा अंधेरा है ना, मुझे स्क्रैप्स मेरे सामने पड़े हुए हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन ये देखो भाई कितने ज़्यादा यहाँ पे स्क्रैप्स पड़े हुए हैं। और भी स्क्रैप्स होंगे, लेकिन अंधेरी की वजह से भाई वो मुझे बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। पहले तो मैं इसकी आग बुझा देता हूँ। ठीक है, इसकी आग बुझ जाएगी, बुझ गई होगी। ठीक है, मैं यहाँ से कूद जाता हूँ, और ओह आग लग चुकी मेरे अंदर शायद। उतरी भाई, आग बुझ गई ना इसकी। ठीक है, अब मैं इससे बात कर लेता हूँ। ऑलराइट, और एक बार ना इसके अंदर जाके देख लेता हूँ क्या क्या पड़ा है इसके अंदर। हाँ, मेरे को पेंट का डब्बा मिल चुका है ऑरेंज वाला। ठीक है, और यहाँ पे स्क्रैप्स भी पड़े हैं शायद थोड़े बहुत। नहीं यार, यहाँ पे ज़्यादा स्क्रैप्स नहीं है, लेकिन ठीक है, जितने भी है भाई मुझे सारे के सारे कलेक्ट करने हैं। और स्पीड बढ़ाने वाला हूँ मैं, जिससे ना मुझे चार्ल्स पकड़ ही ना पाए और मैं आराम से उसे चकमा देकर निकल जाऊँ यहाँ से। फिलहाल तो भाई चार्ल्स कहीं आ ना जाए यार, मेरे को यही डर है भाई। मैं अगर किसी घर में छुपा रहूँगा तो चार्ल्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन अगर गलती से उसने मेरे को बाहर पकड़ लिया ना ट्रेन के, तो भाई मेरा डी एंड हो जाएगा उसी टाइम। इस आइलैंड पे भाई पता नहीं लोग रहते क्यों, मतलब इतना ज्यादा डरावना ये आइलैंड है। तो भाई भाग जाओ ना यहाँ से शहरों की तरफ, पता नहीं भाई मरने का शौक है इनको, तो हम क्या ही कर सकते हैं। और एक बार मेरी ट्रेन कहाँ है भाई, ट्रेन मेरी, ये किस जानवर की आवाज आती है भाई, एक तो इसमें पता नहीं चल पाता है। ये देखो, मुझे ऐसा लगता है भाई ये ना चार्ल्स के बच्चे, वैसे चार्ल्स के बच्चे अभी हुए नहीं है, वो अगले जो इस गेम का सेकंड वर्जन आएगा ना वो शायद उसमें होने वाले हैं, लेकिन भाई फिर भी कुछ कह नहीं सकते। और मैंने भाई पीछे छोड़ दिया वो वाला मिशन, अपने अंडे वाले मिशन को। तो ठीक है, मैं अपनी ट्रेन को ना रिवर्स गियर में डाल देता हूँ, और ट्रेन का कलर भी चेंज कर देता हूँ ऑरेंज कलर में। भाई ये ट्रेन ज़्यादा सही लग रही है। ठीक है, और एक बार मैं देख लेता हूँ कितनी दूर है। थोड़ी दूर है तो ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ 70 मीटर दूर है, तो मुझे तैयार रहना चाहिए। और यहीं से मैं कूद जाता हूँ। ऑलराइट, तो ये ना मुझे अंडे की लोकेशन देने वाली है। ठीक है, मेरे को ज्ञान मत दे ज्यादा, मुझे बस लोकेशन दे और मैं अपना काम खुद कर लूंगा। यहाँ से स्क्रैप्स ले लेता हूँ। भाई बहुत ज्यादा स्क्रैप्स पड़े हुए इधर तो, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे अंधेरी की वजह से। और मेरी ट्रेन देखो भाई कितनी ज्यादा पीछे जा चुकी है। भाई चार्ल्स मेरे ऊपर हमला ना कर दे, बस अगर चार्ल्स मेरे ऊपर हमला नहीं करेगा ना तो भाई कोई टेंशन नहीं होने वाली। और अपनी ट्रेन को मैं जल्दी से अपडेट कर देता हूँ स्पीड लेवल। अरे यार भाई, सारे स्क्रैप्स खत्म कर दिए मैंने, तो थोड़े से स्क्रैप्स बचे हुए हैं। वैसे थोड़े बहुत स्क्रैप्स ना मुझे, मैं ऐसा फ्लेम थ्रोअर लगा के रखता हूँ। ठीक है, चार्ल्स आएगा ना तो उसे जला डालूंगा मैं। ठीक है, अगला मिशन मुझे कौन सा करना चाहिए, अगला मिशन मुझे ये करना चाहिए था, लेकिन भाई ये ना चुड़ैल वाला मिशन है तो मुझे वो नहीं करना, मैं ये वाला मिशन करने वाला हूँ, केव वाला मिशन। ठीक है, केव वाला मिशन करूँगा ना तो मुझे सिर्फ अंडा कलेक्ट करना है उसमें, तो उसमें तो चार्ल्स से तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, और 100 मीटर दूरी है, और चार्ल्स आ चुका। ठीक है, जला देता हूँ उसको मैं। ऑलराइट, और रिपेयर हो जा, ये वाली गल ले हाथ में, और निकल, भूतिया ट्रेन तेरी ऐसी की तैसी, साले मेरे पास स्क्रैप। ओ भाई, इसकी हेल्थ तो देखो कितनी कम घट रही है। एक सेकंड, मेरा डी एंड होने वाला। शिट, 20% हेल्थ है, और मैं मर गया। अबे यार, शिट भाई, बहुत जल्दी इसने हमें मार दिया। शिट, ये क्या हो गया यार, इतनी जल्दी इसने क्यों मार दिया मुझे। ऑलराइट गाइस, चार्ल्स ने इतनी जल्दी मार दिया भाई, हमने सोचा नहीं था, लेकिन कोई नहीं भाई, हम हार नहीं मानने वाले, हम एक बार और ट्राई करने वाले। अगर भाई इस बार भी चार्ल्स ने हमें इतनी जल्दी मार दिया ना, तो भाई इस गेम को मैं कभी नहीं खेलने वाला। मतलब भाई कोई मतलब ही नहीं बना नाइट मेयर मोड को खेलने का, क्योंकि मुझे लगता नहीं भाई हम इसको फिर कभी पार कर पाएंगे। अगर इसका कोई बढ़िया सा अपडेट आ जाएगा तो शायद मैं इसको खेल लूंगा। बाकी भाई जल्दी से मैं न्यू गेम कर देता हूँ, और फ्लेम थ्रोअर वाला मिशन है ना भाई, वहां तक मैं इस वीडियो को स्किप करने वाला हूँ, वहां से मैं फिर से कंटिन्यू करने वाला हूँ नाइट मेयर मोड पर।
पे ओके चलते हैं फिर से भूतिया दुनिया में। तो लड़ गाइस ये वाला पहला मिशन है भाई, मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। पिछला पार्ट मैंने स्किप कर दिया क्योंकि भाई आप ना ऑलरेडी उसको देख चुके थे, तो ठीक है मैं इससे बात कर लेता हूँ। और फिर से भाई इसकी बालकनी से जाके बहुत सारे स्क्रैप्स में लेके आ जाता हूँ और देखना बस यही होगा कि इस बार भाई हम कितना ज्यादा सर्वाइव कर पाएंगे। मुझे ना भाई बहुत ज्यादा साइलेंटली इस आइलैंड पे घूमना पड़ेगा और चार्ल्स को ज्यादा से ज्यादा ना अवॉइड करने की मुझे कोशिश करनी पड़ेगी। फाइट लेने की अगर मैं सोचूंगा ना भाई तो कोई फायदा नहीं होने वाला, मैं उससे कभी भी नहीं जीतने वाला। अगला मिशन मैं कौन सा करूँ, अगला मिशन ये वाला कर देता हूँ ठीक है। और मिशन करना है एनपीसी वाला मिशन करना है, एक वेपन मिशन करना है, उसके बाद भाई हम कोशिश करेंगे चार्ल्स को मार दें। और चार्ल्स से भाई ना टकराए तो ही ज्यादा बढ़िया। और एक बार भाई सही बताऊँ ना, इतना ज्यादा मुझे डर लग रहा है इस गेम को खेलने में। आधी रिकॉर्डिंग भाई मैंने दिन के टाइम की थी, आधी रिकॉर्डिंग भाई मैं कर रहा हूँ रात के 12 बजे, तो भाई सही बता रहा हूँ मेरी हालत खराब हो रही है और मैं नहीं चाहता भाई चार्ल्स आके मुझे फिर से मार दे। तो ठीक है ये वाला मिशन भी मुझे करना पड़ेगा, लेकिन ये कूदने का नाम ही नहीं ले रहा यहाँ से। वो कूद जावे गधे के बच्चे कूद जावे। ब्रेक लगा ठीक है, थोड़ा सा ना रिवर्स ले लेता हूँ गाड़ी को भाई, ज़्यादा आगे निकल गई मेरी गाड़ी। एक सेकंड पीछे आ जा भाई, मुझे अपनी एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। और मेरी गाड़ी यहाँ पे रुक जाएगी, यहाँ पे रुक जा ठीक है मैं यहीं से कूद जाता हूँ। ऑलराइट पहले तो भाई जितने भी स्क्रैप्स हैं आसपास पड़े हुए सारे के सारे मैं ले लेता हूँ। और इधर कौन है भाई, चार्ल्स के आतंक में कैंप फायर पे बैठा हुआ है, लेकिन हमेशा आग जलती रहती है लेकिन कोई दिखता नहीं है यहाँ पे, क्योंकि चार्ल्स ने ना भाई सबको मार दिया। यहाँ पे गिने चुने ही बंदे बचे हुए हैं जो कि चार्ल्स से अभी भी फाइट ले रहे हैं। उनमें से भाई एक यूजीन भी था लेकिन वो बेचारा मर चुका है। लेकिन मरते मरते ना भाई एक बढ़िया काम कर गया था वो, हमें बुला के, हम ना भाई दुनिया के सबसे बढ़िया मॉन्स्टर हंटर हैं तो शायद भाई हम उसको मार दें। लेकिन ये भरोसा ना मुझे खुद से टूटता जा रहा है भाई, क्योंकि नाइटमेयर मोड अगर नहीं होगा, क्लासिक मोड होगा तो मैं उसको आराम से मार दूंगा, लेकिन भाई नाइटमेयर मोड के अंदर तो चार्ल्स हमारे ऊपर इतना ज्यादा हावी हो जाता है क्या बताऊँ। और ये भाई हल्के फुल्के मिशन भी मुझे करने पड़ रहे हैं क्योंकि मुझे स्क्रैप्स की जरूरत है। और ये खुल गया इसी के साथ ठीक है, इसको ले जाके मैं पकड़ा देता हूँ और फिर यहाँ से निकल लेता हूँ अपने अगले मिशन की तरफ। अगला मिशन मेरा होने वाला है शायद एग वाला मिशन होने वाला है, एक बार ना मैं मैप के ऊपर टारगेट कर देता हूँ ठीक है। ये वाला मुझे यहाँ से ना इन्फॉर्मेशन लेनी है अंडे की, उसके बाद मुझे फ्लेम थ्रोअर वाला मिशन करना है। और भाई जहाँ से जहाँ तक ना चार्ल्स मेरे ऊपर हमला अब कर ही देगा, फ्लेम थ्रोअर मिशन के बाद शायद वो मेरे ऊपर हमला कर देगा, तो भाई मुझे ना जल्दी अंडरग्राउंड होने के लिए कोई जगह की तलाश करनी पड़ेगी। चलो कोई नहीं भाई, वो तो मैं ढूंढ लूंगा, फिलहाल तो मैं इससे बात कर लेता हूँ। ये फालतू का मुझे ज्ञान देती रहती है, मुझे भाई ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे स्क्रैप चाहिए। और ये वाला डब्बा ना से पिछली बार शायद एस्केप हो गया था, इसके अंदर भाई मेरे को ढेर सारे स्क्रैप्स मिल चुके हैं। और मेरी ट्रेन कहाँ है, मेरी ट्रेन कहाँ है, अरे भाई मैं ट्रेन तो अपने पीछे छोड़ाया भाई, शिट। अबे भाई मैं ऐसे कैसे कर रहा हूँ, मैं पैदल क्यों घूम रहा हूँ, मुझे ट्रेन में घूमना चाहिए भाई। अगर मैं ट्रेन से बाहर रहूंगा ना तो फिर तो 0% चांस है मेरे चार्ल्स से जीतने के। वैसे तो यार ये किसकी आवाज आ रही है भाई, पता नहीं कौन सा जानवर इन्होंने ऐड कर दिया है, दिखाई तो देता नहीं बस उसकी आवाज आती है। लेकिन जो भी हो भाई वो सामने ना आए तो ही ज्यादा बढ़िया है। अगला मिशन मेरा हो चुका है ना तो ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ ये वाले वेपन मिशन के ऊपर मैं मार्क कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैं अंडे की लोकेशन पे जाने वाला हूँ। चुड़ैल वाला मिशन मैं नहीं करूंगा भाई, ये वाला मिशन मैं करूंगा ना तो वो इतने ज्यादा खुले में ना चार्ल्स मुझे आके कभी भी मार देगा, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा ना अंडरग्राउंड रहने की जरूरत है, तो वो वाला मिशन मैं नहीं करने वाला। मैं ज्यादा से ज्यादा वो वाले मिशन करूंगा जिसके अंदर ना मेरे को ऐसी बिल्डिंग्स के अंदर जाना है जिससे ना भाई चार्ल्स मुझे ना पकड़ सके। और एक बार ना भाई ये वाला मिशन मैंने इतनी बार कर दिया क्या बताऊँ, लेकिन ठीक है मुझे स्क्रैप्स मिल रहे हैं तो मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और यहाँ पे और भी स्क्रैप्स हैं क्या भाई, ये वाला स्क्रैप्स है ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ। पानी की टंकी खोल देता हूँ, खुल जाए यहाँ से। और इस बार ना मैं ऊपर से नहीं कूदूंगा भाई, मैं प्रॉपर सीढ़ियों से जाने वाला हूँ, मुझे ना डैमेज मिल जाता है। और इससे मैं बात करके फ्लेम थ्रोअर ले लेता हूँ, और आग बुझ चुकी है ना तो एक पेंट का डब्बा भी ले लेता हूँ। और इधर स्क्रैप्स हैं क्या भाई, इधर हाँ ये रहा स्क्रैप्स ठीक है, मेरे पास कितने स्क्रैप्स हो चुके हैं एक बार देख लेता हूँ, 52 स्क्रैप्स हो चुके हैं ठीक है। और मेरी ट्रेन भाई किधर है, एक सेकंड मुझे मैप में देखनी चाहिए, मेरी ट्रेन है यहाँ पे, मुझे जाना है अब यहाँ पे ठीक है। और अगली लोकेशन माइन की होने वाली, भाई माइन के अंदर पता नहीं मैं सर्वाइव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वो ना शॉटगन लेके रहते हैं और शॉटगन मार के भाई वो मुझे एक या दो गोली मार देंगे, क्योंकि ये ना भाई चार्ल्स आ गए शिट, मैं यहाँ से भाग रहा हूँ उसी वाले बंदे के पास, क्योंकि यहाँ पे भाई मैं ज़्यादा सेफ रहूंगा अपनी ट्रेन की बजाय। और उसकी ना भाई मुझे हॉर्न की आवाज़ आई थी, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ भाई चार्ल्स कहाँ पे है। चार्ल्स आएगा ना तो मैं झोपड़ी के अंदर छुप जाऊंगा जिससे भाई वो मुझे मार नहीं पाएगा। एक बार ना भाई मैं ऊपर जाके देख लेता हूँ चार्ल्स है किधर। चार्ल्स वैसे दूर दूर तक दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही मैं ट्रेन में बैठा था ना भाई उसके हॉर्न की मुझे आवाज आई थी, लेकिन शायद वो नहीं आ रहा है, वो जा चुका है। ठीक है अगर वो आया ना तो भाई मैं पंगा नहीं लूंगा उससे, पहले तो भाई मैं ट्रेन को रिपेयर कर लेता हूँ। और इसकी स्पीड लेवल पिछली बार तो काम नहीं आई थी, लेकिन ठीक है थोड़ी बहुत मैंने बढ़ा दी है, अब अपनी ट्रेन को भाई मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा लेता हूँ। ऑलराइट और मेरी लोकेशन कौन सी अगली, भाई मुझे बहुत ज्यादा ट्रेवल करना है, क्या बताऊँ बहुत ज्यादा ट्रेवल करना है मुझे, यहाँ तक जिंदा रहना है या फिर चलो ठीक है अंडे को कलेक्ट करने की कोशिश कर ही लेते हैं, बच गए तो ठीक है वरना भाई मौत तो पक्की है। चार्ल्स आ गया इस बार तो पक्का आ गया भाई, इस बार पक्का आ चुका है वो, मुझे बहुत तेज आवाज आई थी, लेकिन एक सेकंड आ गया मैं यहाँ से कूद रहा हूँ मैं यहाँ से पैदल भागने वाला हूँ। एक सेकंड ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ शिट शिट भाई कितना डरावना यार ये
भाई मैं टनल तक भाग गया था, लेकिन नहीं भाई मेरे से ये बिल्कुल नहीं होगा भाई। ये मेरी लास्ट वीडियो थी नाइटमेयर मोड वाली, इसके बाद भाई मैं इस गेम को कभी नहीं खेलने वाला। मतलब भाई ये इतना ज्यादा डरावना है ना, क्या बताऊं, मेरे हाथ कांपने लग गए भाई इस गेम को खेलते खेलते। मतलब आप लोग महसूस नहीं कर पा रहे भाई मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। अगर आप हेडफोन लगा के इस गेम को खेलोगे ना, एक एक चीजें सुनोगी जो बैकग्राउंड में चल रही है, जो जीव जंतु, जो पीछे डरावने मॉन्स्टर्स की जो आवाज आ रही है भाई, पल पल पे कौओं की आवाज आ रही है, जो भाई इस गेम को इतना ज्यादा हॉरर बना रहे हैं, क्या बताऊं। और चाल आने के बाद असली हॉरर शुरू होता है भाई, वो आके एक झटके में मुझे मार रहा है। मतलब मैं बस वहां से निकला हूं और उसने मुझे मार दिया भाई, और मैं कितनी भी फाइट बैक कर लूं भाई मैं उसको नहीं मार पाऊंगा। मतलब भाई इस मोड ने ना शुरू में बता दिया था कि ये मोड इसलिए बनाया गया है कि आप ना भाई जल्दी से जल्दी इस गेम को क्विट कर दें। तो भाई ये गेम ना अपने मिशन में पास हो चुका है, क्योंकि हम ना भाई इस गेम को जल्दी जल्दी क्विट करने जा रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो। और भाई अब से मैं इस गेम को ट्राई नहीं करूंगा, मतलब नाइटमेयर मोड को मैं एंड करने वाला हूं। ये लास्ट वीडियो थी, और प्लीज भाई और मेरे से रिक्वेस्ट मत करना आगे खेलने के लिए, मैं नहीं खेल पाऊंगा भाई, बहुत ज्यादा डरावना ये गेम है। मैं कोई दूसरा डरावना हॉरर गेम खेल लूंगा, सन्स ऑफ द फॉरेस्ट की हमारी सीरीज चल रही है, मैं उसको खेल लूंगा आगे, लेकिन भाई मैं इस गेम को नहीं खेलूंगा। अगर इसका कोई बढ़िया सा अपडेट आ जाएगा ना तो भाई मैं इसको खेल लूंगा, या फिर आप मुझे कोई चैलेंज दे दोगे क्लासिक मोड में तो मैं उसको खेल लूंगा, बाकी भाई नाइटमेयर मोड में कभी नहीं खेलने वाला। बाकी भाई आपको अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर देना, मैं इतना ज्यादा डराऊं तो भाई एक लाइक तो बनती है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।